नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कानपुर हिंसा के बाद इस बार जुमे की नमाज पर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया था। सभी जिलों में मस्जिदों के बाहर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रयागराज में भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था थी, लेकिन जुमे की नमाज के बाद जो नजारा दिखा वो सवाल खड़े कर रहा है कि सतर्कता के बाद मथुरा आगजनी और फायरिंग कैसे हुई। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बुधवार को जारी ताजा वर्ल्ड रैंकिंग में अपना दबदबा बरकरार रखा है। उन्होंने गेंदबाजों और ऑलराउंडरों की सूची में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा। रविंद्र जडेजा टेस्ट ऑलराउंडरों की सूची में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी बल्लेबाजों की सूची में क्रमशः पांचवा और सातवा स्थान बरकरार रखा है। पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी करने पर भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अनुपम शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया गया। जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर लोगों ने अनुपम शर्मा और बाकी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान जामा मस्जिद के बाहर भारी भीड़ जुट गई थी। इस दौरान जुमे का नमाज के बाद ही लोगों ने अनुपम शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने 1000 साल तक अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी जो व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के दौरान कुर्बानियां देने वालों की आत्मा को आज भारत का पुनरुत्थान देखकर शांति मिलती होगी। अमित शाह ने दिल्ली में महाराणा सहस्र वर्षों का धर्म युद्ध पुस्तक का विमोचन करने के बाद अपने संशोधन में ये बातें कही। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और संदिग्ध शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। माना जाता है कि यह व्यक्ति उस ग्रुप का हिस्सा था जिसने पंजाब के गायक राजनेता पर गोली चलाई थी। राज्य के मानसा जिले में 29 मई को 28 वर्षीय रैपर की गोली मारकर जान ले ली गई थी। जान लेने के मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त गुरुवार को जिस समय राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर रहे थे, उस समय राज्यसभा में कांग्रेस के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ मित्र दलों के नेताओं को टेलीफोन कॉल किए। इस दौरान उन्होंने एक आम विपक्षी उम्मीदवार के प्रति एकता की बात रखी, जो कि राष्ट्रपति कोविंद के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े होंगे। भारत में कोविड-19 के एक दिन में 7584 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,32,05,106 हो गई है। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 36,267 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 24 और मरीजों की जान जाने से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,747 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 3,769 की वृद्धि हुई। ये संक्रमण के कुल मामलों का 0.08% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.70% है। गुजराती अखबार मुंबई समाचार की 200वीं वर्षगांठ के मौके पर 14 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एक स्टैंप भी जारी करेंगे, जो कि अखबार के 200 साल पूरे होने को समर्पित होगा। मुंबई समाचार के एडिटर निलेश दवे ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी अखबार के पाठकों से बात भी करेंगे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लू के चलते तापमान बढ़ा हुआ है। लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। वहीं दिल्ली के कई अन्य राज्यों में प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसके चलते भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है और ये अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र में प्रवेश करेगा। चीनी वीजा घोटाला मामले में आरोपी भास्कर रमन को सीबीआई विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। इस दौरान कोर्ट ने अरनेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश का पालन न करने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी के पास पिछले 5 सालों से आपत्तिजनक ईमेल थे। कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद कार्ती चिदम्बरम के करीबी सहयोगी एस भास्कर रमन को जमानत दे दी थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष है। जुमे की नमाज के बाद देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। इस क्रम में तेलंगाना, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और हावड़ा के साथ ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लखनऊ और प्रयागराज में भी प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली स्थित संघ लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग में आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आग भवन की 4थी मंजिल पर लगी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बिल्डिंग में दोपहर करीब 3 बजे आग लगने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद दमकल की 4 से 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। यौन शोषण मामले में फंसे मलयालम एक्टर और निर्माता विजय बाबू को केरल हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विजय बाबू के अग्रिम जमानत की अवधि को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। अभियोजन पक्ष द्वारा समय मांगे जाने के बाद न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की एकलपीठ ने इसे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को एक और औसत देने वाले हैं। पीएम मोदी का अहमदाबाद का दौरा अहम माना जा रहा है। यहां वो भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसे जून 2022 में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। जानकारी के मुताबिक इन स्पेस एक नोडल एजेंसी होगी, जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं के विभाग के उपयोग की अनुमति देगी।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए पाकिस्तान ने कराची स्थित एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर आए भारत के बयान को खारिज कर दिया है। उल्टा उसने भारत पर आरोप लगाया है कि यहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है और वो परेशान है। दरअसल कराची के कोरंगी इलाके के श्रीमारी माता मंदिर में बुधवार को देवी देवताओं की मूर्तियों पर हमला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें नीट पीजी 21 में 1456 सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग की मांग की जा रही थी। अब मेडिकल कॉलेज की 1456 सीटों पर स्पेशल काउंसलिंग नहीं होगी। कोर्ट ने कहा है कि 1000 से ज्यादा नॉन क्लिनिकल सीट खाली है। जस्टिस एमआर शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा है कि मेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता जो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। देश में कोविड 19 संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 7000 से नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में चौथी लहर की आशंकाएं बहुत कम है। जब तक कि देश में कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आता है तब तक नए लहर की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ट्विटर पर एक बार फिर ट्रोल हो गए हैं। इस बार वो अपनी अंग्रेजी शब्द नहीं बल्कि अपने कैप्शन और जैकेट में उल्टा राष्ट्रध्वज पिन करने के लिए आलोचना के शिकार हुए हैं। 9 जून को शशि थरूर की एक ट्वीट देखने को मिली थी जिसमें उन्होंने वेनिस में एक सेल्फी पोस्ट की थी। उसके साथ कैप्शन में लिखा था कि मैंने ऐसी सेल्फी भी ली है जिन्हें अन्य लोग शामिल नहीं थे। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर मचे हंगामे के बीच इस्लामी राष्ट्र ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर है। गुरुवार को एनएसए अजीत डोभाल के साथ उनकी बैठक हुई थी। बैठक के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसका जिक्र ईरान की वेबसाइट से नहीं हटा है। हालांकि पहले ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे हटा दिया था। कोलकाता से ढाका जाने वालों को अब ट्रैवल करने का एक और ऑप्शन मिल गया है। शुक्रवार को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने भारत बांग्लादेश के बीच बस सर्विस ढाका कोलकाता ढाका बस को हरी झंडी दिखाई। बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ताजुल इस्लाम ने भी गुरुवार को इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने बताया है कि ढाका सिलहट शिलोंग गुवाहाटी ढाका मार्ग को छोड़कर 4 अन्य मार्गों पर सेवा शुक्रवार से फिर से शुरू होगी। संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बाबा के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा योगेंद्र का जन्म 7 जनवरी 1924 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। बचपन में गांव में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत से लगी सीमा के निकट चीन की तरफ से बुनियादी ढांचे का विकास किए जाने पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार भारत के साथ विश्वासघात कर रही है। देश की सेवा और सुरक्षा करने से पहले ही किसी की जान जाने का शिकार होने वालों को प्री कमीशन अधिकारियों के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक मानवीय कदम उठाते हुए उनके परिवार वालों को पेंशन देने का फैसला किया है। ये वो अधिकारी हैं जिनकी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान किसी दुर्घटना में जान चली जाती है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस हर साल में कुछ खास होने वाला है। हर बार विदेशी मेहमान इस आयोजन में आकर इसे खास बनाते हैं लेकिन सरकार ने इसे पहले से और खास बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार हर घर पर तिरंगा लहराएगा। आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाते हुए जुटी सरकार ने अब इस बार कुछ खास अंदाज में इसे मनाने का फैसला किया है। अगर आप ट्रेन में हमेशा ट्रैवल करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने यात्रियों के लिए ट्रेन में एक स्पेशल सुविधा की शुरुआत की है। अब यात्रियों को ट्रेन में भी सात्विक खाने का लुफ्त मिल पाएगा। इसके लिए IRCTC ने इस्कॉन मंदिर के साथ करार किया है। इसके बाद अब सात्विक भोजन खाने वाले लोगों को ट्रेन में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 9 जून को क्रूड ऑयल की कीमत 121.28 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई जो इसके पहले 2012 फरवरी और मार्च में देखने को मिली थी। PPAC के अनुसार 25 फरवरी से 29 मार्च के बीच कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का औसत 111.86 डॉलर प्रति बैरल था। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के तुरंत बाद ही तेल की कीमतें तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है। एंग्लियन ओमेगा समूह की कंपनी ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने आज इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कदम रखते हुए अपना नया OSM स्ट्रीम कमर्शियल ऑटो लॉन्च कर दिया है। इसे 3.40 लाख रुपए की कीमत पर लाया गया है और ये पूरी तरह से चार्ज होने पर 110 किलोमीटर प्रति चार्ज की रेंज देता है। रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है। ये फिल्म सिनेमाघरों में 13 मई को रिलीज हुई थी और अब थिएटिकल रिलीज के 4 हफ्ते बाद फिल्म शुक्रवार से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर दी गई है। घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर आपने भी गौर किया होगा कि वो जल्द ही मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब तक पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल ना दे तब तक ये संभव भी नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अभिभावक ही करते हैं लेकिन अब एक बार बच्चों को मोबाइल की लत लग जाती है तो फिर मोबाइल फोन ना देने पर गुस्सा करना, रोना, चीखना और चिल्लाना आम बात हो जाती है। लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि मोबाइल गेम की लत शराब की लत से भी ज्यादा खतरनाक है।
केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू शुक्रवार को हो रहे गरीब कल्याण सभा में शामिल होंगे। कार्यक्रम से पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने पूर्णिया में बहने वाली सौर नदी को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है और इसके संरक्षण को लेकर प्रभात खबर के द्वारा चलाई गई मुहिम की सराहना भी की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है अंकित यादव, प्रिया यादव ऑफिशियल, आदित्य न्यूज, तनु डिसूजा, आलोक कुमार, आर्यवत, अंकित आनंद, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार, नुन्नू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए क्या कोरोना गाइडलाइन को फिर से लागू कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।